नमस्कार दोस्तों, गज़ब टेक्निकल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपका फ़ोन, आपका कोई भी फ़ोन, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, कई बार जल्दी जल्दी क्या होता है कि बीच बार बहुत ज़्यादा हैंग हो जाता है, जिससे आपको फ़ोन को फेंकने तोड़ देने का मन करता है। तो बेफिक्र हो जाइए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। बस कुछ एक सेटिंग्स है फ़ोन की, उनको करके आप अपने फ़ोन की स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, स्पीड को कवर कर सकते हैं, जिसमें आपका फ़ोन कभी भी हैंगिंग का इशू नहीं आएगा, आपके फ़ोन के अंदर कभी भी हैंगिंग का इशू नहीं आएगा। तो सबसे पहली सेटिंग अपनी है डेवलपर सेटिंग। डेवलपर सेटिंग जो फ़ोन के अंदर इनबिल्ट होती है, हाइड होती है, वो अपन देखेंगे कि कैसे अपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को अपने फ़ोन में सेटिंग में जाके अबाउट फ़ोन के अंदर जाना है। अबाउट फ़ोन मेरा सैमसंग का फ़ोन है, तो इसके अंदर सेटिंग्स में जाऊँगा। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे मेंशन होगा अबाउट फ़ोन। जैसे ही मैं अबाउट फ़ोन को ओपन करता हूँ, उसमें ऑप्शन आएंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, बैटरी इन्फॉर्मेशन, अदर सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आएंगे। तो मुझे इनमें सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ, तो मेरे सामने एक ऑप्शन आता है बिल्ड नंबर के नाम से। बिल्ड नंबर पर जैसे मैं 7 बार क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम मैं जैसे क्लिक किया, मेरे पास अपने फ़ोन का पासवर्ड पूछ रहा है। तो मैं अपने फ़ोन का पासवर्ड पिन एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने पासवर्ड एंटर किया, एंटर करते ही अपना डेवलपर ऑप्शन अनेबल हो चुका है। जैसे आप बैक जाके आप देख सकते हैं, सबसे नीचे नीचे आपको अपने फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन ओपन मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको कुछ एक सेटिंग्स हैं, उनको आपको करना है। तो फर्स्ट सेटिंग आपकी जो है ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल को अपन को चेंज करना। सबसे पहले ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल अपनी 1 पे है, तो अपन को 0.5x पे इसको कर देना है। 3 ट्रांजिशन स्केल से इनको 0.5x पे कर देना है, 0.5x, ये 0.5x, ठीक है। नेक्स्ट अपन सेटिंग में जाते हैं, इसी के अंदर अपन को चेंजमेंट करना है। बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को अपन को चेंज करना है, तो नीचे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट में क्या आता है कि जो अपने फ़ोन के अंदर जो एप्लीकेशन रन होते रहते हैं बैकग्राउंड के अंदर, उनकी लिमिट से रिलेटेड है। जैसे आपका सीपीयू, मतलब जो फ़ोन की जो रैम है, वो ये नहीं होता कि बहुत सारे अगर एप्लीकेशन अपने बैकग्राउंड में रन होते हैं तो अपने फ़ोन की स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ से आप चेंज बैकग्राउंड लिमिट को नो बैकग्राउंड प्रोसेस में क्लिक करके आप सेट करके रख सकते हैं, जिसमें आपके एक्सटर्नल जो भी एप्लीकेशन रन होंगे बैकग्राउंड में, उनको यहाँ से बंद कर देगा फ़ोन ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो नो बैकग्राउंड प्रोसेस में आप क्लिक करके इसे बंद कर सकते हैं। थर्ड अपनी है डोंट कीप एक्टिवेशन, तो इसे भी आपको इनेबल कर लेना है। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी सेटिंग्स में। सेकंड सेटिंग्स में अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जैसे जाएंगे, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ये ऑटो अपडेट एप्स पे आपको क्लिक करना है। ऑटो अपडेट एप्स में मैंने पहले से ही बाय डिफॉल्ट से डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे क्लिक कर रखा है, जिससे क्या होगा कि जैसे भी आप फ़ोन को कभी भी काम में लेंगे, तो उस फ़ोन के अंदर आपका बैकग्राउंड में जो डाटा, बैकग्राउंड में जो सीपीयू का एक्सेस आता है, वो ऑटो अपडेट की वजह से वो काम में चलता रहता है। तो आपको क्या करना है, डोंट ऑटो अपडेट पे क्लिक करके रखना है। जो रेडियो बटन आपको मेंशन है, उस पर डोंट अपडेट ऑटो अपडेट पे आपको क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट आपका ओवर वाईफाई ओनली या ओवर एनी नेटवर्क ओनली मेंशन होगा पहले से, तो आपको डोंट ऑटो अपडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। सेकंड सेटिंग्स में अपन ये करेंगे, जिससे आपका क्या है कि सीपीयू को थोड़ा एक्सेस, थोड़ा सीपीयू की जो प्रोसेस है वो अपनी इंक्रीज होगी, जिससे अपना फ़ोन में हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। थर्ड अपनी सेटिंग देखते हैं अपन। थर्ड सेटिंग में क्या करना है अपन को, जैसे कई फ़ोन होते हैं, सेटिंग में जाना अपन को पहले। सेकंड में सेटिंग में जाने के बाद आपको डिवाइस केयर के नाम से एक ऑप्शन आता है। मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग के फ़ोन के अंदर मेरे जो डिवाइस केयर के नाम से एक ऑप्शन है एडिशनल, ये देखिए ये डिवाइस केयर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अदर जो फ़ोन है, जैसे वीवो का हो गया, रेडमी का हो गया, रियलमी का हो गया, उनके अंदर फ़ोन मैनेजमेंट के नाम से ऑप्शन होता है, जिसके अंदर आप जाके उसे अपडेट कर सकते हैं। डिवाइस केयर में जाने के बाद जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बैटरी का, स्टोरेज का, मेमोरी का, सिक्योरिटी का और अल्ट्रा डाटा सेविंग का, तो इनमें 1 by 1 करके आप जाके आपकी अपनी डिवाइस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बैटरी वाला ऑप्टिमाइज़ कर रखा है। अब मैं जाता हूँ स्टोरेज में, जैसे मैं स्टोरेज में जाता हूँ तो स्टोरेज को मुझे ऑप्टिमाइज़ करना है। यहाँ से मेरा यहाँ पे दिखा रहा है +71.5 MB मेरी क्लीन होगी जो डिवाइस को ऑप्टिमाइजेशन में, ये सारी जो बैकग्राउंड में जो केसेस फाइलें हैं, सारी फाइलें जो किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन में रह जाती हैं वेस्टेज, तो उनको ये क्लीन कर देता है। थर्ड अपनी है स्टोरेज सिक्योरिटी वगैरह की,
सिक्योरिटी के लिए अपन ये स्कैन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो पोज कर देता हूँ, जैसे अपनी स्कैनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद में अपन दोबारा आते हैं। यहाँ पे मैंने अपना सिक्योरिटी भी अपडेट कर दी है, यहाँ पे मेंशन हो रहा है ऑल इज गुड, मतलब 100% अपना ऑप्टिमाइज हो चुका है। इन तीनों सेटिंग्स के जरिए आप अपने फ़ोन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आपके फ़ोन में हैंगिंग का इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। किसी भी कंपनी का आपका फ़ोन हो, कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, साथ में आप कुछ एक दो जो चीज़ें हैं, जो जनरल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बेसिकली आपका फ़ोन की स्टोरेज एक इंटरनल स्टोरेज होता है फ़ोन के अंदर, आपके फ़ोन के अंदर अगर 64 GB इंटरनल स्टोरेज है या 16 GB इंटरनल स्टोरेज है, कितना भी जीबी इंटरनल स्टोरेज है, 5 से 10 GB आपको फ्री रखना है फ़ोन की रैम। भाई फ़ोन के अंदर कम से कम इस एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखें, जो आपके यूज़फुल एप्लीकेशन है उन्हीं को आप इंस्टॉल करके रखें, जिससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में जो फ़ोन की सीपीयू की स्पीड है वो बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। तो इन्हीं सेटिंग्स के आप अपनी फ़ोन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, हैंगिंग की इशू को दूर कर सकते हैं। और बेसिकली आपको सभी को पता है कि फ़ोन एक मशीन है जिसकी सर्विस टाइम टू टाइम होनी चाहिए, आपके फ़ोन या स्टोरेज में जो भी फाइलें हैं उनको आपको 12 या 6 महीने से आपको पूरा क्लीन करना चाहिए, जो भी आपके फ़ोन में स्टोरेज में जो भी फाइलें पड़ी हैं, इमेजेस पड़ी हैं, व्हाट्सएप के अंदर डाउनलोडेड पड़े हैं, कई बार ऑटो डाउनलोडेड हो जाते हैं, तो उनको आप 6 महीने या 1 साल से आपको उसको क्लीन अप करना चाहिए, पूरी स्टोरेज मेमोरी को फॉर्मेट करना चाहिए, रिस्टार्ट करना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर जानकारी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। यही वीडियो अगर आप किसी अपने दोस्त वगैरह के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों। We'll be right back.